नहर काटने से मचा हाहाकार। उन्नाव में लगातार हो रही तेज बारिश से कटी शहर स्थित मोहल्ला आदर्श नगर की नहर। लगातार हो रही झमाझम बारिश से वैसे ही जीना मुहाल है, हर तरफ जल भराव की स्थिति है। इन सबके बीच शहर में एक नई आफत सामने आई। सुबह जब लोगों ने अपने दरवाजे खोले तो हर तरफ पानी ही पानी था। लोगों के घर पानी में डूबे हुए थे। यह पहली बार था जब शहर के एक भाग में जल भराव की स्थिति भयानक हो गई। कारण शहर के मध्य से गुजरने वाली नहर जो रात में कट गई थी। नहर का बंधा कट जाने के कारण और हिरन नगर, इंदिरा नगर, पीडी नगर, निराला नगर, गदनखेड़ा में घुटनों तक पानी भर गया। सुबह जब लोग घर से निकले तो इसकी स्थिति विकराल थी। आनन फानन जिला प्रशासन हरकत में आया और नहर को बांधने का काम फिर से शुरू किया जा रहा है। नहर काटने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है, लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारियों की लापरवाही यहां साफ दिखाई पड़ती है। अधिकारियों का दावा है नहर पर बांध जल्दी लगा दिया जाए, लेकिन स्थानीय लोगों को इस जल भराव से मुक्ति कैसे मिलेगी यह बताने में अधिकारी भी चुप हो जाते हैं। पेश है उन्नाव के संवाददाता साबान मलिक की खास रिपोर्ट। नहर कटी है, सीएम नहर आ गए हैं, एसडीओ हैं, लेबर लगे हुए हैं, बाधा जा रहा है बोरी लगा करके। कोई नुकसान है? नुकसान तो कुछ नहीं हुआ है, पानी नीचे नीचे निकल गया, किसी घर में पानी नहीं घुसा है और ये नाला पकड़ कर निकल जा रहा है। क्या कारण बताया जा रहा है? यहाँ से मिट्टी कटी हुई है, कारण रही है, साफ दिखाई दे रहा है।